हाँ भाई नमस्कार, कैसे हो आप लोग? आवाज आ रही है मेरी? आवाज पहुंच रही है क्या मेरी? पहुंच रही है ना? हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे मुझे एक बार बता दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे मुझे एक बार बता दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना? कल सेचुरेट हो गए थे तुम लोग, है ना, संतृप्त हो गए थे। सुनो, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग सेकेंड लॉ की बात कर रहे थे, और सेकेंड लॉ में बहुत सारी बातें कर ली थी, कैलन प्लांक, इक्विवेलेंस ऑफ कैलन प्लांक, और उसके बाद कार्नोट प्रिंसिपल, और उसके बाद कॉर्नेट प्रिंसिपल को मैंने प्रूफ करके भी दिखा दिया था, है ना। कुछ आप लोग कह रहे थे कि समझ नहीं आ रहा, है ना। अपन ने उसको प्रूफ किया था कि इररिवर्सिबल की एफिशिएंसी रिवर्सिबल से ज्यादा क्यों नहीं हो सकती, और ये भी बात की थी कि अगर इररिवर्सिबल की एफिशिएंसी रिवर्सिबल के बराबर हो गई तो एक ऐसी मशीन बन जाएगी जो कंटिन्यूअसली ऑपरेट करती रहेगी विदाउट टेकिंग एनी एनर्जी फ्रॉम द आउटसाइड व्हाइल प्रोड्यूसिंग नो वर्क। और ये एग्जाम्पल था किसका, PMM-3 का। और उसके बाद PMM-2 भी डिस्कस किया था। PMM-2 इज अ मशीन, इज अ हाइपोथेटिकल मशीन व्हिच कैन ट्रांसफर द लो ग्रेड एनर्जी टू हाई ग्रेड एनर्जी विद 100% एफिशिएंसी, एंड इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट वायलेट कैलन प्लैंक स्टेटमेंट। ये भी बात हो गई थी, है ना। उसके बाद अपन को क्या बात करनी थी, ये सब ये बातें हो गई थी ना। एक्सर्जी, आज एंट्रोपी, एक्सर्जी और फ्रिक्शन, एंट्रोपी, एक्सर्जी और फ्रिक्शन। अभी कहाँ मेरे भाई, अभी तो बहुत लंबी यात्रा है ना एंट्रोपी तक की, है ना। सुनो मेरी बात, एक खैरिंग डालो, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर स्केल। सूर्यांश गुप्ता पूछ रहे हैं, सर रिवर्सिबल प्रोसेस बहुत स्लो होती है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक बहुत फास्ट होती है, जब रिवर्सिबल है तो स्लो होना चाहिए। बेटा ये हाइपोथेटिकली हम लोग मानते हैं, जो एडियाबेटिक प्रोसेस हम लोग बोलते हैं ना कि एडियाबेटिक इज अ फास्ट प्रोसेस, जब हम कहते हैं ना कि एडियाबेटिक इज अ फास्ट प्रोसेस, तो हम लोग प्रैक्टिकली बात करते हैं। और जब हम लोग बोलते हैं ना कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, स्लो होना चाहिए, वो एक हाइपोथेटिकल बात है ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। रिवर्सिबल और एडियाबेटिक का कॉम्बिनेशन कभी हो ही नहीं सकता। इवन मैं तो कह रहा हूँ कि रिवर्सिबल जैसा कुछ हो ही नहीं सकता, इस दुनिया की कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं हो सकती, वो एक हाइपोथेटिकल बात है ना। ठीक है, सारी हाइपोथेटिकल बातें हैं ना। ठीक है, सुनो, अब ये मत कहना कि हाइपोथेटिकल है तो पढ़ क्यों रहे, रेफरेंस के लिए भाई। कहीं ना कहीं किसी भी एक आइडियल चीज का रेफरेंस लेकर के ही तो चीजें अपन डेवलप करते हैं, तो
एक आइडियल चीज है उस, जैसे ब्लैक बॉडी है, एचएमटी में ब्लैक बॉडी जैसा कुछ नहीं होता, फिर भी ब्लैक बॉडी पढ़ते हैं अपन, है ऐसा ही। ठीक है सुनो, एक हेडिंग डालो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल। एक हेडिंग डालो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल, सुनना। अच्छा तुम लोग टेस्ट वगैरह दे रहे हो कुछ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कहीं और से करते हो क्या आप लोग? कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कहीं और से करते हो क्या आप लोग? आपके 3 सब्जेक्ट हो चुके हैं ना? गेट प्रीवियस ईयर कर रहे हो और यूएससी का ऑब्जेक्टिव कर रहे हो, है ना? दो दिख जाता है वो कर रहे हो, ठीक है, जो दिख जाता है वो कर लेते हैं। ठीक है सुनो, मेरी बात सुनो 2 मिनट, है ना? तुम लोग ठीक है सुनो। अच्छा यहाँ पर केमिकल के कितने लोग हैं? लोग हैं ना, श्रेय अरोरा और एक शिवम भी थे, वो भी शायद केमिकल थे ना? 3 लोग थे केमिकल के ना। ठीक है मेरी बात सुनना जरा। देखो केमिकल वाले जो है ना, केमिकल वाले तो निश्चिंत रहो, केमिकल वाले तो निश्चिंत रहो, आप लोगों ने जितना पढ़ा है ना, दीपक भी है ना, ठीक है, केमिकल वाले तो निश्चिंत रहो, आप लोगों ने बेटा जितना पढ़ लिया है ना, केमिकल वालों ने जितना पढ़ लिया है ना, मतलब जितने सब्जेक्ट आप लोगों को गेट तक पढ़ा दिए जाएंगे ना, उतने सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लिया तो आपकी रैंक आ जाएगी 100%, मैं श्योर हूँ। क्योंकि केमिकल में रैंक लाना बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी। इसलिए नहीं क्योंकि केमिकल के सब्जेक्ट इजी है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत कम है बेटा, है ना? तो हालांकि सिलेक्शन होना और जॉब लेना उतना ही कठिन है जितना मैकेनिकल में, क्योंकि केमिकल के कैंडिडेट कम है, नंबर ऑफ एस्पिरेंट कम है केमिकल के, तो जॉब भी तो कम है, पीएसयूज में वैकेंसी भी तो कम है केमिकल की, तो जॉब लेना उतना ही टफ है, लेकिन रैंक लाना बहुत ईजी है ना। तो केमिकल वालों की तो रैंक आ जाएगी, थर्मो हो चुका है, एचएमटी हो चुका है, 2-4 सब्जेक्ट। अच्छा केमिकल वालों का और कोई भी सब्जेक्ट चल रहा है क्या? केमिकल वालों का और कुछ भी चल रहा है क्या? चल रहा है ना आप लोगों का सब्जेक्ट, मतलब पूरा हो जाएगा गेट तक, सब्जेक्ट एक बार पूरा हो गया तो ठीक ठाक से भी दे दोगे ना तो हो जाएगा आप लोगों का, केमिकल वालों का तो हो जाएगा ना। अब मैं आता हूं मैकेनिकल में, सुनना। ठीक है मैं आता हूँ मैकेनिकल में, सुनो। जो मैकेनिकल वाले हैं ना, जो मैकेनिकल वाले हैं ना, 2 मिनट सुन लो, केवल 2 मिनट, है ना? ये जो फालतू का दरबार है ना, ये जो मैं तुम लोगों को बताता रहता हूँ फालतू की बातें, ये मैं आप लोगों को ही बताता हूँ, क्योंकि एक अलग सा लगाव रहता है मेरा एमआईटीएस से, है ना? तो मैं बाकी कॉलेजेस में कभी बात नहीं करता ऐसी। सुनो मैकेनिकल वाले क्या है, आप लोगों का सब्जेक्ट क्या करना, आप लोग शायद मैंने आपको बता दिया होगा आप क्या करना, मैकेनिकल और केमिकल दोनों वाले, एक मैथ का प्रीवियस ईयर ऑर्डर कर लेना आज, एक मैथ का प्रीवियस ईयर ऑर्डर कर लेना, किसी भी पब्लिकेशन का मिल जाएगा आपको, कंबाइंड वाला करना। कंबाइंड वाला मतलब मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस, आईटी, सबका प्रीवियस ईयर एक बुक में मिल जाएगा। मैथ पढ़ना शुरू कर देना अभी से, एक एप्टीट्यूड की बुक ऑर्डर कर देना किसी भी पब्लिकेशन की गेट पे, है ना? ये 2 चीजें आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। ये कितना हो गया, 30 मार्क्स हो गया, है ना? मैकेनिकल के लिए बता रहा हूँ अभी, अभी मैकेनिकल के लिए, है ना? उसके बाद आपका थर्मो, ये 6 मार्क्स हो गया। उसके बाद आपका एचएमटी, ये 6 मार्क्स हो गया। उसके बाद एफएम, 8 मार्क्स हो गया, मैं पढ़ा चुका हूं। आरएसी, पावर प्लांट, आईसी, ये 8 मार्क्स हो गया।
इतना सिलेबस तो अगले 10 दिन में खत्म हो जाएगा मैकेनिकल वालों का। कितना? 30, 36, 42, 50, 58 मार्क्स, 58 मार्क्स का सिलेबस बेटा आपका अगले 10 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक। और इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल हो रहा है अभी, धीरे धीरे हो जाएगा, टेंशन मत लो, मेरी बात तो सुनो। ये 60 मार्क्स आपका अभी कंप्लीट हो गया, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहो, आपका सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं बचा है, केवल 40 मार्क्स का बचा है। इंडस्ट्रियल अभी जैसे रिज्यूम हो जाएगा तो इंडस्ट्रियल अभी हो जाएगा, मतलब दिसंबर एंड में, दिसंबर एंड आते आते, दिसंबर में आपके मान लो 3 सब्जेक्ट हो गए, सॉम हो गया, टॉम हो गया और इंडस्ट्रियल हो गया, तो आपका ये हो जाएगा 8 मार्क्स, ये हो जाएगा 6 मार्क्स और ये हो जाएगा लगभग 8 मार्क्स, 8, 8, 16, 16, 22 + 22 और मान लो लगभग 80 मार्क्स का आपका कंप्लीट हो जाएगा। कब? 80 मार्क्स का आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर एंड, है ना। फिर थोड़ी बहुत सब्जेक्ट बचेगा जैसे प्रोडक्शन है और एमडी है, तो वो जनवरी में हो जाएगा ना, तो आप लोगों के सिलेबस पूरा हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर के इस बात की टेंशन बिल्कुल मत लेना कि सिलेबस रह जाएगा, सिलेबस बिल्कुल पूरा हो जाएगा और अच्छे से पूरा हो जाएगा। जैसे मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ तो डिटेल में ही पढ़ा रहा हूँ ना, इतना डिटेल्ड पढ़ाया जाएगा तो भी सिलेबस पूरा हो जाएगा 15 जनवरी तक, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। आप बिल्कुल आंख बंद करके पढ़ते जाओ, है ना, रोज घर में 10 घंटे 12 घंटे 10 घंटे 12 घंटे। आप विश्वास मानो मेरा, मैंने भी केवल 3 महीने तैयारी की थी, 4 महीने, है ना, मेरे मार्क्स 76 आए थे। आप अगर 3 महीने 4 महीने तैयारी करके 70 मार्क्स ले आते हो ना, 70 मार्क्स ले आते हो ना, तो इस बात की सियोरिटी रहेगी कि जब आप अगले साल दोगे फोर्थ ईयर में तो 85 मार्क्स लेकर के आओ, है ना। तो ये तीन, अभी 2 महीने बचा है, कुछ भी नहीं बिगड़ा है, सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे, है ना, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहो, सिलेक्शन हो जाएगा, है ना, ठीक है। सुनो, मैथ होगा क्या? सिलेबस तो हो जाएगा सर, लेकिन समय लगेगा क्वेश्चन लगाने में। अरे बिल्कुल नहीं लगेगा भाई, इसी बात के लिए तो बोल रहा हूँ, इसी बात के लिए निश्चिंत रहो। एक्चुअली क्या है कि गेट का लोगों ने हाइप क्रिएट कर दिया बेटा मार्केट में, डर का बिजनेस समझते हो, डर का बिजनेस है, गेट का हाइप क्रिएट कर दिया लोगों ने। गेट इतना बड़ा एग्जाम नहीं है जितना बड़ा लोगों ने हाइप क्रिएट कर दिया। आपको केवल सब्जेक्ट पढ़ना है अच्छे से, जो टीचर करा रहे हैं वो करना है अच्छे से, और गेट का प्रीवियस ईयर 2 से 3 बार लगाना है, बस इतना, इतने में आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं करना है ना, ठीक है। मैथ होगा क्या? बिल्कुल होगा, है ना, मैकेनिक्स, मैकेनिक्स का मैं नहीं बता सकता, है ना, सिलेबस हो या ना हो जितना हो अच्छा से होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सर, मेरे 75 आ गए तो आपको पार्टी, ठीक है बेटा, 75 तुम्हारे आ जाए तो मैं तुम्हें पार्टी दूंगा। जितने तुम लोग 60 के ऊपर मार्क्स ले आओ, 60 के ऊपर मार्क्स ले आओ, जितने तुम में से 60 के ऊपर मार्क्स ले आओगे ना, उनको व्यक्तिगत रूप से मैं ग्वालियर आकर के पार्टी दे दूंगा। मुझे बड़ी खुशी मिलेगी कि अगर आप लोग 60 मार्क्स से ऊपर ले आओ, है ना, और इतना तो आ जाएगा यार, है ना। सर मैं केवल गेट के क्वेश्चन ही कर रहा हूँ। हाँ बेटा केवल गेट के कर लो, केवल गेट के क्वेश्चन कर लो, केवल गेट के क्वेश्चन कर लो, है ना, उतने में हो जाएगा, है ना, बस बस केवल गेट के कर लो, केवल गेट के कर लो, और जो टीचर करा रहा है क्लास में, जो फैकल्टी, रिस्पेक्टिव फैकल्टी जो भी है सब्जेक्ट की, वो जो करा रहे हैं उतना कर लो बस, है ना, ठीक है। ईएससी की जरूरत नहीं है अभी, ईएससी की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि ईएससी के लिए समय नहीं है, ईएससी के लिए समय नहीं है, ईएससी मत करो, गेट का प्रीवियस ईयर करो 2 से 3 बार, और जो फैकल्टी ने बोला हुआ है जिस सब्जेक्ट की उतना करते जाओ बस, है ना। आप समझो गेट एप्टीट्यूड का एग्जाम है बेटा, अगर आप इतना कर लेते हो और ठीक ठाक एप्टीट्यूड है तो आप रैंक ले आओगे, है ना। जिनके पास एप्टीट्यूड नहीं है, जो एक होता है गधों वाली पढ़ाई, है ना, कि वो कुछ बच्चे होते हैं ना, जो एक कुछ बच्चे होते हैं ना, वो पंचवर्षीय पैकेज लेकर के चलते हैं, पहले साल सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़ेंगे, दूसरे साल गेट लगाएंगे, तीसरे साल ईएससी लगाएंगे, चौथे साल फिर एग्जाम देंगे अच्छे से, और पांचवें साल अच्छे से देंगे ना, तो 3 साल और 5 साल का उनका पूरा पैकेज होता है। वैसा कुछ नहीं है भाई, वैसा लेकर के मत चलो, वो अपना माइंड सेट है। आप सोच लोगे कि 2 साल में निकालना है तो 2 साल में निकलेगा, आप सोच लोगे 2 महीने में निकालना है तो 2 महीने में निकलेगा, है ना। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करो, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर के दो, रैंक आ जाएगी, है ना, ठीक है। सुनो ठीक है, देखो मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं, मैं यहाँ पर क्लास ले रहा हूं ना, मैं 4-4 घंटे, मैं डेली 10 घंटे क्लास ले रहा हूं ना, मैं डेली 10 घंटे क्लास ले रहा हूं, और मेरे जनवरी के पहले मेरे दिमाग में भी नहीं था कि मैं सीएससी दूंगा।
सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, सिविल सर्विसेज दूंगा, नहीं था। मैंने तैयारी कब से शुरू की? फरवरी से। मैंने पढ़ा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने। 4 महीने में सिलेबस खत्म कर लिया था मैंने। उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मैं 10-10 घंटे क्लास ले रहा था। जब 4 अक्टूबर का एग्जाम था ना, 4 अक्टूबर का एग्जाम था ना, तो आपको याद होगा कि आप ही लोगों की क्लास 3 अक्टूबर को मैंने ली थी। 3 अक्टूबर को क्लास लेकर के गया था, ठीक। मैंने 4 महीने केवल पढ़ा था। मेरा टारगेट इस साल का नहीं था, नेक्स्ट ईयर का था। मेरे मार्क्स कितने आए? मेरे मार्क्स आए 85, ठीक। मैं मानता हूं कि मार्क्स कट ऑफ से नीचे हैं। कट ऑफ कितना गया? कट ऑफ 94 या 95 मार्क्स गया होगा। कट ऑफ से थोड़ी बहुत कम था, केवल 4 क्वेश्चन कम थे, है ना, मतलब 8 या 9 मार्क्स कम थे कट ऑफ से, है ना। तो अगर मैं क्लास नहीं ले रहा होता 8 घंटे 10 घंटे, 8 घंटे 10 घंटे क्लास नहीं ले रहा होता, हाँ, 94 कट ऑफ गया तो 9 मार्क्स कम थे। अगर मैं 8 घंटे 10 घंटे क्लास नहीं ले रहा होता तो मैं 4 महीने में AS का प्री निकाल देता, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का प्री 4 महीने में निकाल देता, है ना। तो 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। आप समझो, जिस एग्जाम की तैयारी करने के लिए लोग 4-4 साल लगाते हैं फिर प्री निकालते हैं, उस एग्जाम की तैयारी 4 महीने में की जा सकती है, अगर आप अच्छे से पढ़ो तो, कॉन्फिडेंट रहो तो, है ना। तो टीचिंग के साथ जब मैं कर रहा हूँ और मैं इतने मार्क्स ला रहा हूँ, तो आप लोग घर में बैठ करके जब 10 घंटे पढ़ रहे हो तो गेट तो निकाल ही सकते हो यार, है ना, सिंपल, है ना। समझ गए क्या? समझ गया क्या? सिंपल सी बात है ना, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहो। एग्जाम का कोई ड्यूरेशन नहीं होता, ये लोगों ने, और जो जो समाज के ऐसे लोग हैं ना जो बिजनेस करते हैं एजुकेशन का, उनने बना दिया है कि भाई AS मतलब 4 साल की तैयारी, ES मतलब 3 साल की तैयारी, गेट मतलब 2 साल की तैयारी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर ढंग से पढ़ते हो ना तो गेट 4 महीने का एग्जाम है, 4 या 3 महीने का। ES ज्यादा से ज्यादा 6 या 7 महीने का एग्जाम है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 साल का एग्जाम, ज्यादा से ज्यादा, है ना, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं, है ना, ठीक है। सुनो सुनो, कल आपने एक क्वेश्चन पूछा था ना, मैं एक मिनट में और बता रहा हूँ, एक मिनट में और बता रहा हूँ ना। एक्चुअली क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है ना, कई बार ऐसा होता है ना कि कोई एक क्वेश्चन आप लगा रहे हो, कोई एक क्वेश्चन आपने लगाया और नहीं बना, कोई क्वेश्चन आपने लगाया और नहीं बना, है ना, तो अपना कॉन्फिडेंस सा लो हो जाता है ना। तो वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको पता है कि मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, 5 साल से पढ़ा रहा हूँ। FM मैंने 100 बार पढ़ाया होगा, 50-100 बार पढ़ाया होगा। HMT 50-100 बार पढ़ाया होगा। थर्मो 50-100 बार पढ़ाया होगा। आपको क्या लगता है कि दुनिया में जितने क्वेश्चन है सारे मैं बना सकता हूँ? नहीं बना सकता। कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार ऐसा हो सकता है, मतलब अभी तक तो नहीं हुआ भगवान की दया से, है ना, संयोग ऐसा नहीं हुआ कि ऐसा हुआ हो, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको एक क्वेश्चन उठा करके ले आओ और मुझसे ना बने। तो आप समझो कि मैं 100 बार पढ़ाने के बाद भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता कि मैं 100% बना सकता हूँ। फिर आप तो 2 बार पढ़ चुके हो यार, आप कैसे कह सकते हो? तो याद रखना कि क्वेश्चन नहीं बनना की वजह से कभी कॉन्फिडेंस लो नहीं होना चाहिए अपन को। कोई बात नहीं, क्वेश्चन नहीं बनाना तो अपन उससे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं ना। आपसे क्वेश्चन नहीं बने, आपसे क्वेश्चन नहीं बने वो प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन ना बनने के बाद भी अगर आपने उससे कुछ नहीं सीखा तो प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, कल कल रात में क्या हुआ कि मैं ऐसे बैठा था ना, जनरली तो मैं रिप्लाई, मतलब ऐसा समाज में कहा जाता है कि मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, है ना। हालांकि ये सच भी है, क्योंकि मेरे मुझे समय नहीं मिलता यार, मैं ईगो की वजह से नहीं करता, समय नहीं मिलता, है ना। कल रात में ऐसे एक दो मैसेज पड़े थे तो मैं पढ़ने लग गया, मैं रिप्लाई कर रहा था ना। तो एक बच्चा पूछ रहा था कि HGL और EGL क्या होता है। मैंने आपको FM में बहुत डिटेल में पढ़ाया था HGL और EGL वगैरह, है ना। तो वो FM के टेस्ट दे रहा था और उसको HGL और EGL मिला, है ना, उसको HGL और EGL मिला FM के टेस्ट में, उससे क्वेश्चन नहीं बना। क्वेश्चन ना बनना प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन ना बनना प्रॉब्लम नहीं है, ना बनने के बाद भी उसने नहीं पढ़ा होता तो प्रॉब्लम है ना। तो क्वेश्चन नहीं बने ना तो कोई प्रॉब्लम मत लो, जो जो क्वेश्चन नहीं बने उनको सबको कंप्लीट करते चलो। यही तो वो वाइड्स है, यही तो वो गैप है जिसको आपको अगले 2 महीने में फिल करना है। सिंपल भाई, आपको अभी एट द टाइम आपको 100% सब्जेक्ट आता है क्या गेट के लायक? नहीं आता। आपको बहुत सारे चीजें नहीं आती, बहुत सारे वाइड्स हैं, बहुत सारे गैप हैं जो आपको फिल करने हैं। जब आप क्वेश्चन लगाते हो तो आपको पता चलता है, अच्छा ये गैप था इसको फिल करना है, ये गैप था ये इसको फिल करना है। तो जब भी आपको ऐसे गैप मिलते हैं ना, ऐसे वाइड मिलते हैं, तो आपको तो खुश होना चाहिए, भाई मुझे पता चल गया कि ये मुझसे नहीं बनता। सिंपल है ना।
ठीक है सुनो। ठीक है देखो, समाज में जो लोग कहते हैं ना कि मैं रिप्लाई नहीं करता हूं, एक व्यक्ति है जो कम से कम ये कह रहा है कि मैं तुरंत रिप्लाई करता हूँ, है ना। तो मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं रिप्लाई नहीं करता, ऐसे लोग भी समाज में हैं कि जो कहते हैं कि मैं रिप्लाई करता हूँ, है ना। ठीक है, तो आज के बाद से एक बात गलत हो जाती है कि मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, है ना। ठीक है, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लूंगा और समाज में जितने ऐसे लोग हैं जिनने मेरे बारे में भ्रांतियां फैलाई हुई है ना, उनको हमेशा दिखाऊंगा, है ना। ठीक है सुनो, एक हेडिंग डालो, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल। हेडिंग डालो, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल। और यार देखो, सिंपल सी बात है, 1 मिनट और ले रहा हूं आप, है ना। मुझे पता है कि बहुत प्रीशियस टाइम है आपका, 1 मिनट और। जो मेरे वाले सब्जेक्ट है ना, मेरे वाले सब्जेक्ट मतलब FM, थर्मो, HMT, REC, पावर प्लांट, IC इंजन, ठीक है। ये आधा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, आधा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। ESC का फर्स्ट पेपर पूरा है मेरा, इनमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसमें केवल और केवल क्या करना है, टेलीग्राम वाले ग्रुप में जो PDF मैंने डाली है, उन PDF के को केवल सॉल्व करना है। सॉल्यूशन मैं सेंड कर दूंगा अगले 2-4-5 दिन। हालांकि ये बात मैंने पहले भी कही थी और मैं नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार कर दूंगा, सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। तो केवल उन PDF को लगाना, मैं गारंटी दे रहा हूँ उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, है ना। आप अच्छा कर लोगे, केवल वही करना है आपको, है ना। ठीक है सुन, एक हेडिंग डालो, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल। देखो मामला क्या है, ये T1 और ये T2 है, ये T हायर है और T लोअर है, ये Q1 है और ये Q2 है, और यहां पर वर्क प्रोड्यूस हो रहा है W नेट, ठीक। और यहाँ पर कोई हीट इंजन है, ठीक। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसकी एफिशिएंसी लिखनी है। और आपको पता है एफिशिएंसी क्या होती है, 1 माइनस Q आउट अपॉन Q इन, सॉरी एफिशिएंसी होता है W नेट अपॉन हीट एडिशन। आपको पता है कि एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, W नेट मतलब Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 हो जाएगा, हो जाएगा 1 माइनस Q आउट अपॉन Q इन। ये एफिशिएंसी होता है और ये एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन हर जगह वैलिड है, ठीक। मुझे एक बात पता है, अभी अभी हम लोगों ने कार्नोट प्रिंसिपल पढ़े थे कल, और कार्नोट प्रिंसिपल क्या थे, कार्नोट प्रिंसिपल ये थे कि जो एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन है ना, जो रिवर्सिबल इंजन की जो एफिशिएंसी है वो केवल और केवल टेम्परेचर लिमिट पे डिपेंड करती है। मतलब अकॉर्डिंग टू कार्नोट, फॉर रिवर्सिबल इंजन एफिशिएंसी है वो फंक्शन होता है केवल किसका, टेम्परेचर लिमिट, मतलब TH और TL का, केवल इसका फंक्शन होता है, ठीक। तो अगर इसका फंक्शन होता है तो एफिशिएंसी क्या है, 1 माइनस Q आउट अपॉन Q इन, मतलब 1 माइनस Q आउट अपॉन Q इन फंक्शन होगा किसका, TH और TL का केवल। और अगर ऐसा है तो Q आउट अपॉन Q इन फंक्शन होगा केवल किसका, TH और TL का, ठीक। ये मुझे कहां से पता चला, ये मुझे पता चला कार्नोट प्रिंसिपल से, और एक्सपेरिमेंटली मुझे इसका रिलेशन मिलता है, क्यू आउट अपॉन क्यू इन इज इक्वल टू टी लोअर अपॉन टी हायर, या फिर क्यू इन अपॉन क्यू आउट इज इक्वल टू TH अपॉन TL। याद रखना ये वैलिड है केवल और केवल किसके लिए, ओनली फॉर रिवर्सिबल इंजन। ये वैलिड है केवल और केवल किसके लिए, रिवर्सिबल इंजन के लिए, ठीक। एक बार इसको नोट करो फिर आगे बात करो।
एक बार इसको नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। आज अपन सेकंड लॉ खत्म कर लेंगे, कल अपन एंट्रोपी शुरू करेंगे, है ना। तो 10th of December तक आपका थर्मो खत्म हो जाएगा ना। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। नोट कर लिया क्या? भाई नोट कर लिया ना? हाँ भाई नोट कर पाए क्या? डन ना? सुनो मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं कि ये कोई एक रिवर्सिबल इंजन है ना। इफिशियंसी क्या होती थी? इफिशियंसी होती थी डब्ल्यू नेट अपॉन हीट एडिशन, सिंपल। ये पता है, हर बच्चे को पता है ना। और डब्ल्यू नेट क्या होता था? Q1 - Q2 लिख दिया, तो इफिशियंसी हो गई 1 - Q out अपॉन Q in, आपको पता है। कल हम लोगों ने कार्नोट प्रिंसिपल पढ़ा था, एंड अकॉर्डिंग टू द कार्नोट प्रिंसिपल इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर लिमिट ऑनली। इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन फंक्शन होती है किसका? टेम्परेचर लिमिट का केवल। और अगर इफिशियंसी टेम्परेचर लिमिट का फंक्शन है, इसका मतलब है कि ये वाली टर्म फंक्शन है किसका? टेम्परेचर लिमिट का। इसका मतलब है कि क्यू आउट अपॉन क्यू इन इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर लिमिट। इसका मतलब एक्सपेरिमेंटली कुछ ऐसा आता है ये, और ये वैलिड है केवल किसके लिए? रिवर्सिबल इंजन के लिए। याद रखना, Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू TH अपॉन TL, इट इज वैलिड ओनली फॉर रिवर्सिबल इंजन। देखना एक बार। मिनट सुनना मेरी बात। इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, अगर मैं हीट इंजन की इफिशियंसी लिखूं, तो देखो मामला कुछ ऐसा था। ये TH है, हीट इंजन है, क्लॉकवाइज होगा, वर्क प्रोड्यूसिंग होता है। ये TL है, ये Q1 है और ये Q2 है और ये W नेट है। ठीक है,
तो देखो यहां पर एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन क्या होता है, वन माइनस क्यू आउट अपॉन क्यू इन। मुझे एक बात बताओ, ये जो एक्सप्रेशन है एफिशिएंसी का, ये किसके लिए वैलिड है, रिवर्सिबल के लिए या इरिवर्सिबल के लिए? ये जो एक्सप्रेशन है किसके लिए वैलिड है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल या दोनों के लिए? थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर स्केल जीरो लॉ के अंडर होता है ना? नो बेटा, वो टेम्परेचर स्केल दूसरे हैं, वो टेम्परेचर स्केल दूसरे हैं, है ना, जो आप बात कर रहे हो वो टेम्परेचर स्केल दूसरे हैं, ठीक है। ये किसके लिए वैलिड होगा? ये वैलिड होगा दोनों के लिए, वैलिड फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। सिंपल। एक और एक्सप्रेशन होगा, अगर मैं क्यू आउट अपॉन क्यू इन, क्यू टू अपॉन क्यू वन की जगह टीएल अपॉन टीएच पुट कर दूं, एक एक्सप्रेशन ऐसा भी हो सकता था, वन माइनस क्यू आउट अपॉन क्यू इन की जगह टीएल अपॉन टीएच पुट कर दूं, ये किसके लिए वैलिड है, ये किसके लिए वैलिड है? इट इज वैलिड ओनली एंड ओनली फॉर रिवर्सिबल इंजन। याद रखना है ना। सिमिलरली मैं बात कर रहा हूं सीओपी ऑफ हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर, सीओपी ऑफ हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर, ध्यान से सुनना क्या है। ये कोई टीएच है, वर्क कंज्यूमिंग होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, और ये क्या है, ये टीएल है। लोअर टेम्परेचर से हीट लेगा Q1 और यहां पर हीट देगा Q2 और वर्क इनपुट होगा WZ, ऐसा होगा। कार्नोट रिवर्सिबल इंजन है ना? बिल्कुल रिवर्सिबल इंजन है भाई, कार्नोट रिवर्सिबल इंजन ही है। अगर आपसे मैं कभी कहूं ना कि कोई रिवर्सिबल इंजन है तो समझ जाना कि मैं कार्नोट की ही बात कर रहा हूं, है ना, ठीक है। सुनो, मैं बात कर रहा हूं पहले सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होता है? सीओपी क्या होता है? डिजायर्ड अपॉन वर्क इनपुट। रेफ्रिजरेटर में सिस्टम कौन होता है? रेफ्रिजरेटर में सिस्टम होता है लोअर टेम्परेचर वाला। ये रेफ्रिजरेटर में डिजायर्ड क्या है? क्यू वन डिजायर्ड है, जो लोअर टेम्परेचर से निकाला वही डिजायर्ड है रेफ्रिजरेटर। क्या हो जाएगा? क्यू वन अपॉन डब्ल्यू नेट। ये हो जाएगा सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू क्यू वन अपॉन डब्ल्यू नेट। की वैल्यू क्या होगी? डब्ल्यू नेट की वैल्यू होगी क्यू टू माइनस क्यू वन, ठीक। इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, देखो, वन अपॉन क्यू टू अपॉन क्यू वन माइनस वन, और क्यू टू अपॉन क्यू वन की वैल्यू, क्यू टू अपॉन क्यू वन की वैल्यू टी एच अपॉन टी एल लिखी जा सकती है। सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर हो जाएगा वन अपॉन क्यू टू अपॉन क्यू वन इज इक्वल टू टी एच अपॉन टी एल। तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर हो जाएगा TL अपॉन TH माइनस TL। मुझे बता दो ये किसके लिए वैलिड है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल? ये वैलिड होगा केवल और केवल रिवर्सिबल के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने वही वाला रिलेशन यूज किया है, Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू TH अपॉन TL वाला। इट इज वैलिड ओनली फॉर रिवर्सिबल। जबकि ये किसके लिए वैलिड है? ये वैलिड है दोनों के लिए, वैलिड फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। सिंपल, ठीक। सिमिलरली सीओपी ऑफ हीट पंप
हीट पंप के लिए क्या आएगा? हीट पंप के लिए सिस्टम होता है हाई टेम्परेचर, डिजायर्ड क्या है, हाई टेम्परेचर पे जो दिया वही डिजायर्ड था, क्या होगा, क्यू टू, क्यू टू अपॉन डब्ल्यू नेट। ये किसके लिए वैलिड होगा? वैलिड फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। और हीट पंप के लिए कन्वर्ट करोगे ना टीएच और टीएल में, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, जो आएगा वो सीओपी ऑफ हीट पंप आता है टीएच अपॉन टीएच माइनस टीएल। और ये किसके लिए वैलिड है? वैलिड ओनली फॉर रिवर्सिबल, सिंपल। बात समझ गए क्या कि जो टीएच और टीएल के टर्म में जितने भी फॉर्मूले होते हैं हीट इंजन की, और सीओपी हीट पंप और रेफ्रिजरेटर होती है, वो केवल और केवल वैलिड होती है किसके लिए? रिवर्सिबल के लिए। ठीक है, इसको एक बार नोट करो फिर आगे बात करते हैं। हाँ भाई, इसको एक बार नोट करो फिर आगे बात करते हैं। हाँ भाई, नोट कर पाए क्या? नोट कर लिया ना? सुनो, मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में कुछ पीडीएफ सेंड की थी,
टेलीग्राम वाले ग्रुप में कुछ पीडीएफ सेंड की थी, उसमें थर्मोडायनेमिक कंबाइंड फाइल करके एक पीडीएफ थी, उसमें आओ एक बार। एक थर्मोडायनेमिक कंबाइंड करके एक पीडीएफ थी, उसमें आओ एक बार। हाँ भाई, थर्मोडायनेमिक्स कंबाइंड करके एक पीडीएफ थी, उसमें आओ एक बार। आ गए क्या? थर्मोडायनेमिक्स कंबाइंड करके एक पीडीएफ थी, उसमें आ गए क्या? आ गए ना? उसमें पेज नंबर 6 पे आओ, उसमें पेज नंबर 6 पे आओ, उसमें पेज नंबर 6 पे आओ। हाँ, एक क्वेश्चन होगा ऐसा, सेकंड लॉ एंड एनर्जी एंड एंट्रोपी लिखा होगा। एक क्वेश्चन नंबर 4 होगा, मिला क्या? पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन नंबर 4 होगा, ईएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल गया होगा। हाँ, ये रिवर्सिबल इंजन ए एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द रिजर्वायर एट टेम्परेचर T1 एंड रिजेक्ट एनर्जी टू ए रिजर्वायर एट टेम्परेचर T2 एंड सेकेंड इंजन बी एब्जॉर्ब द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एज रिजेक्टेड बाय द इंजन ए फ्रॉम द सेम रिजर्वायर एट टेम्परेचर T2 एंड रिजेक्ट द एनर्जी टू द रिजर्वायर एट टेम्परेचर T3 What will be the relation between T1, T2 and T3? पहला क्या दे रखा है आपको? Efficiency of both the engine A and B are same. और दूसरा क्या दे रखा है? Work delivered by both the engine is same. सुनना। आपको दो इंजन दे रखे हैं और दोनों सीरीज में दे रखे हैं ना। ये जितने ES का प्रीवियस ईयर लिखा हुआ है ना इसमें, और टेलीग्राम वाले ग्रुप में एक और एक पीडीएफ पड़ी हुई है, उसमें भी ES का प्रीवियस ईयर कन्वेंशनल दे रखा है। पूरे कन्वेंशनल को एक बार देखना और घर में बैठकर की पीके नाक को देखना। न्यूमेरिकल वैल्यूज भी चेंज नहीं होती, पीके नाक से ही क्वेश्चन आता है ईएस के प्रीवियस ईयर, है ना? ये क्वेश्चन पीके नाक का है ना? सुनो, एक आपको कुछ ऐसा दे रखा है, ये टेम्परेचर T1 है और एक इंजन ए है, और ये टेम्परेचर T2 है, और ये B है, ये टेम्परेचर T3 है ना। यहां पर क्या है कि ये जो इंजन A है यहां से हीट एब्जॉर्ब करता है Q1, यहां पर रिजेक्ट करता है Q2, और जितनी ए रिजेक्ट करता है उतनी ही हीट इंजन बी लेता है यहां से Q2, और यहां पर कुछ हीट रिजेक्ट करता है Q3। इंजन है क्लॉकवाइज होगा, वर्क प्रोड्यूसिंग होता है, ये डब्ल्यू ए प्रोड्यूस करता है और ये डब्ल्यू बी प्रोड्यूस करता है। दोनों रिवर्सिबल इंजन है ऐसा बोला हुआ है, आपसे T1, T2 और T3 में रिलेशन पूछा हुआ है। कंडीशन दे रखी है, पहली क्या है? एफिशिएंसी ऑफ बोथ द इंजन ए एंड बी इज सेम। Efficiency of A is equal to efficiency of B. Reversible engine की efficiency क्या होती है? 1 minus T2 upon T1. A की efficiency क्या हो जाएगी? 1 minus T2 upon T1. B की efficiency क्या हो जाएगी? 1 minus T3 upon T2. आप देखो, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा,
फाइनली आपको मिलेगा टी टू अपॉन टी वन इज इक्वल टू टी थ्री अपॉन टी टू, और टी टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ टी वन इंटू टी थ्री। सिंपल ये क्वेश्चन पूछा हुआ था रिलेशन टेम्परेचर में। सेकंड रिवर्सिबल नहीं बोला है, ये रिवर्सिबल इंजन ये अब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द रिवर्स रिजर्वायर इतना इतना। इसमें मिसप्रिंट हो गया है क्वेश्चन, जो मेन क्वेश्चन था जो एग्जाम में आया था उसमें दोनों इंजन रिवर्सिबल बोले हुए थे ना, इसमें मिसप्रिंट हो गया है, लिख नहीं पाए हैं वो, दोनों इंजन रिवर्सिबल है ना। सुनो सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, सेकेंड कंडीशन दे रखी है वर्क डिलीवर्ड बाय बोथ द इंजन इज सेम, डब्ल्यू ए बराबर दे रखा है डब्ल्यू बी। डब्ल्यू ए क्या होगा, क्यू वन माइनस क्यू टू, डब्ल्यू बी क्या होगा, क्यू टू माइनस क्यू थ्री। डिवाइड कर दो क्यू टू से, क्यू वन बाई क्यू टू माइनस वन, क्यू टू से डिवाइड करोगे वन माइनस क्यू थ्री बाई क्यू टू, ठीक क्या हो जाएगा Q1 वन बाई क्यू टू, क्यू वन बाई क्यू टू को लिख सकते हो T1 वन बाई टी टू, टी वन बाई टी टू माइनस वन इज इक्वल टू वन माइनस क्यू थ्री बाई क्यू टू, इसको लिख सकते हो T3 थ्री बाई टी टू। टी टू से मल्टीप्लाई करोगे T1 वन माइनस टी टू इज इक्वल टू टी टू माइनस टी थ्री, एंड टी टू इज इक्वल टू टी वन प्लस टी थ्री बाई टू। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, समझ पा रहे हो। ईएस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ईएस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ ईएस का पेपर 70% बच्चों वाला होता है, समझो यार। एक्चुअली एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है, मार्केट में क्या कर दिया है, मतलब जब बच्चा आता है ना और पढ़ता है एग्जाम की तैयारी करता है, तो मुझे उसकी हालत उस अभिमन्यु की तरह लगती है जो बेचारा घिरा हुआ होता है। क्या होता है कि बच्चा को जितना एग्जाम डिफिकल्ट होता है उससे ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया इस समाज ने। एग्जाम कोई भी डिफिकल्ट नहीं, बहुत इजी से क्वेश्चन आते हैं यार। ये क्वेश्चन कितने का है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप देखो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है उस जमाने में जब 100 नंबर लाने वाला लड़का टॉपर हुआ करता था, 100 नंबर पे सिलेक्शन हो जाता था। मतलब इस तरह के 6 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं आपको केवल ईएस में, है ना, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है ना। इसको एक बार नोट करना, इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई नोट कर पाए क्या, एक क्वेश्चन और देखना, एक क्वेश्चन और देखना। मुझे बस एक मिनट देना है ना, एक क्वेश्चन था इसमें अच्छा था वो। पेज नंबर 10 पे क्वेश्चन नंबर 1 देखो, पेज नंबर 10 पे क्वेश्चन नंबर 1 देखो।
पेज नंबर 10 पे क्वेश्चन नंबर 1 देखो। बेटा मुझे कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि मैं एक था ना, मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट था ना, मतलब सीरियसली बिलो एवरेज था। लोग मानते नहीं है, वो अलग बात है ना, मैं रियली एक बिलो एवरेज स्टूडेंट था ना। और मैं 4 महीने 5 महीने केवल 4 महीने के हार्ड वर्क में मैंने सब कुछ कर लिया था, इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस होता है हमेशा ना कि अगर आप मेहनत करो तो हो जाएगा, है ना। ठीक है, सुनो, एक क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर 10 पे क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो। आपको दे रखा है, an inventor claims to have developed an engine that take in 105 megajoule at a temperature of itna and reject 42 megajoule at a temperature of itna and deliver itna of mechanical work. Would you advise investing money to put this engine in the market? देखो, कुछ ऐसा दे रखा है कि एक इंजन है, ऐसे क्वेश्चन 11th क्लास में करते थे, याद करो। टीएच दे रखा है 400 केल्विन, और टीएल दे रखा है कितना, 200 केल्विन। यहां से ये हीट कितनी लेता है, 105 मेगाजूल, और कितनी रिजेक्ट करता है, 42 मेगाजूल। अगर ऐसा है तो वर्क कितना हो जाएगा, डब्ल्यू नेट। 105 माइनस 42 करना कितना आता है, 105 माइनस 43 करना कितना आता है, 63 मेगाजूल। आता है ना। ठीक है, सुनो, 63 मेगाजूल आता है। देखो, इफिशियंसी इसकी पहले निकाल लेते हैं, इफिशियंसी इंजन की इफिशियंसी कितनी है, ये हो जाएगी डब्ल्यू नेट अपॉन क्यू एन। डब्ल्यू नेट कितना है, 63, हीट एडिशन कितना है, 105, तो यहां से मुझे इंजन की इफिशियंसी बताओ कैलकुलेट करके कितनी आएगी, इसको कैलकुलेट करना। सिक्सटी परसेंट आ रहा है क्या एग्जैक्ट, ये इंजन की इफिशियंसी हो जाएगी। अब कारनोट की इफिशियंसी निकालो कि अगर ये कारनोट होता, अगर ये कारनोट होता और इसी टेम्परेचर लिमिट पे वर्क कर रहा होता तो उसकी इफिशियंसी क्या होती। देखो, कारनोट की इफिशियंसी होती है 1 माइनस TL अपॉन TH। याद करो, मैंने बोला था कि अगर मैं कभी भी बोलूं कि कोई भी इंजन रिवर्सिबल है, इसका मतलब है कि वो कारनोट है, कारनोट ही रिवर्सिबल इंजन है ना, या फिर रिवर्सिबल ही कारनोट है। तो रिवर्सिबल इंजन की इफिशियंसी ये थी, क्या हो जाएगा, 1 माइनस 200 अपॉन 400, कितना हो जाएगा, 50%। समझ पा रहे हो पॉसिबल होगा नहीं होगा भाई। इनका कहना है कि जो इंजन इन्होंने डिजाइन किया है उसकी इफिशियंसी कितनी हो गई, 60%। 60% का मतलब कि कारनोट से ज्यादा हो गई, पॉसिबल ही नहीं है, कभी भी किसी भी इंजन की इफिशियंसी कारनोट से ज्यादा नहीं हो सकती है ना, नॉट पॉसिबल। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। पॉसिबल नहीं होगी है ना, पॉसिबल नहीं होगी है ना। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। नोट कर लिया क्या, सुनो, एक क्वेश्चन और देखो, उसी में एक क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लेवल 2 क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो एक बार। अच्छा, नोट नहीं किया था क्या, कोई बात नहीं, एफिशिएंसी ऑफ इंजन और एफिशिएंसी ऑफ कारनोट ही लिखा था ना। सुनो, मुझे बता दिया करो यार, अगर नोट नहीं कर पाया करूं,
सुनो, सेकंड क्या दे रखा है, यूजिंग एन इंजन ऑफ 30% थर्मल इफिशियंसी। सेकंड क्वेश्चन अच्छा है, सेकंड क्वेश्चन अच्छा है ना, सेकंड क्वेश्चन अच्छा है। यूजिंग एन इंजन ऑफ 30% थर्मल इफिशियंसी टू ड्राइव अ रेफ्रिजरेटर हैविंग अ सीओपी ऑफ 5, व्हाट इज द हीट इनपुट टू द इंजन फॉर ईच मेगा जूल हीट रिमूव्ड फ्रॉम द कोल्ड बॉडी बाय द रेफ्रिजरेटर। सुनना, मामला यह है कि एक हीट इंजन है। क्वेश्चन के दो पार्ट है ना, केस नंबर वन आपको दे रखा है कि एक इंजन है, ये TH है और ये TL है। उसने बोला है कि इस हीट इंजन को यूज करता हूं, यूजिंग एन इंजन ऑफ 30% थर्मल इफिशियंसी। इसकी इफिशियंसी कितनी है, 30%, टू ड्राइव ए रेफ्रिजरेटर। यहां पर एक रेफ्रिजरेटर लगा है, ये क्लॉकवाइज होगा और ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसका डब्ल्यू नेट इसमें जाता है ना, रेफ्रिजरेटर को ड्राइव करते हैं जिसकी सीओपी क्या है, 5 है। रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है, लोअर टेम्परेचर से हीट को लेना और हायर टेम्परेचर में हीट को देना। तो मान लो कि ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है और ये Q4 है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में बोला क्या था। उसे बोला था यूजिंग एन इंजन ऑफ 30% थर्मल इफिशियंसी टू ड्राइव ए रेफ्रिजरेटर ऑफ सीओपी ऑफ 5, व्हाट इज द हीट इनपुट टू द इंजन। इंजन को हीट इनपुट पूछा है, मतलब Q1 पूछा है ना, Q1 पूछा है फॉर ईच मेगा जूल हीट रिमूव फ्रॉम द कोल्ड बॉडी बाय द रेफ्रिजरेटर। अगर Q3 कितना है, 1 मेगा जूल है। इफ Q3 इज इक्वल टू 1 मेगा जूल। देखो सिंपल सी बात है यार, बहुत सिंपल सी बच्चों वाली। अरे सेम टेम्परेचर लिमिट नहीं है मेरे भाई, सेम टेम्परेचर लिमिट नहीं है, अलग अलग है। TH मतलब इसका T हायर, TL मतलब इसका T लोअर। TH मतलब इसका T हायर और TL मतलब इसका T लोअर, अलग अलग हो सकते हैं ना, सेम नहीं है। भावनाओं को समझो, नोटेशंस में मत जाओ, इसका और इसका अलग अलग भी हो सकते हैं ना, ठीक है। अब देखो मुझे Q3 कितना दे रखा है, 1 मेगाजूल। सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर वाला फॉर्मूला लगा दो। सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होता है, डिजायर्ड अपॉन वर्क इनपुट। रेफ्रिजरेटर में सिस्टम कौन होता है, लोअर बॉडी। तो डिजायर्ड क्या होगा, Q3, जो लोअर टेम्परेचर से निकाला वही डिजायर्ड होगा रेफ्रिजरेटर में, मतलब Q3 अपॉन डब्ल्यू नेट। ये कितना है, 5 दे रखा है। Q3 कितना दे रखा है, 1 मेगाजूल अपॉन डब्ल्यू नेट। टेन डब्ल्यू नेट कितना आएगा, 0.2 मेगाजूल। उसके बाद हीट इंजन की इफिशियंसी कितनी दे रखी है, इफिशियंसी क्या होती है, इफिशियंसी होती है डब्ल्यू नेट अपॉन हीट एडिशन। इफिशियंसी कितनी है, 0.3 इज इक्वल टू डब्ल्यू नेट कितना है, 0.2 अपॉन Q1। Q1 कितना हो जाएगा, 0.2 अपॉन 0.3, 2/3, 0.67 मेगाजूल। देखो बात समझ में आई क्या, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं यार, केवल एक हीट इंजन दे रखा है और उसके माध्यम से एक रेफ्रिजरेटर को चलाया हुआ है। इसकी इफिशियंसी दे रखी है, इसका सीओपी दे रखा है, Q3 दे रखा है और Q1 पूछा हुआ है, सिंपल। उसके बाद देखो क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है इफ द सिस्टम इज यूज्ड एज अ हीट पंप, हाउ मेनी मेगाजूल ऑफ हीट वुड बी अवेलेबल फॉर हीटिंग फॉर ईच मेगा जूल ऑफ हीट इनपुट टू द इंजन। सुनो, इसने कहा है कि अगर केस नंबर सेकेंड, इफ सिस्टम इज यूज्ड एज ए हीट पंप, तो उसने बोला है कि हीट अवेलेबल फॉर हीटिंग कितना होगा, मतलब Q4 क्या होगा। अगर Q4
Q1 कितना है? 1 मेगाजूल, यही दे रखा है ना, देखो यही बोला है ना आपको, बोला है इफ द सिस्टम इज यूज एज ए हीट पंप हाउ मेनी मेगाजूल ऑफ हीट वुड बी अवेलेबल फॉर द हीटिंग फॉर ईच मेगाजूल ऑफ द हीट इनपुट टू द इंजन, है ना, यही बोला है। इसमें क्या समस्या है? अच्छा मुझे वो एक बात बताओ, एक बात बताओ, जो सीओपी है वो सेम रहेगी क्या? सीओपी सेम रहेगी क्या? हाँ भाई सीओपी सेम रहेगी क्या? नहीं रहेगी ना भाई, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर और सीओपी ऑफ हीट पंप में हम लोग डिफरेंट रिलेशन पढ़ चुके हैं ना। क्या होता था? सीओपी ऑफ हीट पंप होता था 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, पढ़ चुका हूं है ना। तो सीओपी ऑफ हीट पंप कितना होता था? कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। है ना? तो Q1 कितना है? 1 मेगाजूल। तो वर्क नेट कितना हो जाएगा? W नेट हो जाएगा Q1 into efficiency, 1 मेगाजूल ये है, efficiency है 30%, तो वर्क कितना प्रोड्यूस होगा? 0.3 मेगाजूल। बच्चों वाली बातें हैं। और सीओपी ऑफ हीट पंप क्या होता है? डिजायर्ड, डिजायर्ड क्या होगा हीट पंप में? हाई टेम्परेचर सिस्टम होता है तो हीट पंप में डिजायर्ड कौन है? Q4 अपॉन W नेट, ये है 6, Q4 अपॉन 0.3, Q4 इज इक्वल टू 1.8 मेगाजूल। देखो बात समझ में आई हाँ या नहीं? इसको एक बार नोट करो फिर आगे बात करते हैं। हाँ भाई नोट कर पाए क्या? हाँ भाई नोट कर लिया क्या? मुझे 1 मिनट देना यार, केवल 1 मिनट। क्वेश्चन देखो पेज नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, देखो एक बार। देखना 1 मिनट क्या है। पेज नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है देखो। ईएससी का है, प्रीवियस ईयर 10 मार्क्स का पूछा गया था 2006 में। देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है, देखना। आपको दे रखा है हाउस इज टू बी मेंटेन्ड एट 25 डिग्री सेल्सियस इन समर एज वेल एज इन विंटर। कोई घर है, कोई सिस्टम है जिसको 25 डिग्री सेल्सियस पे ही मेंटेन करना है समर में भी और विंटर में भी, है ना। फॉर दिस पर्पज इट इज प्रपोज टू यूज ए रिवर्सिबल डिवाइस एज ए रेफ्रिजरेटर इन समर एंड एज ए हीट पंप इन विंटर, ठीक है। एम्बियंट टेम्परेचर इन समर इज 40 डिग्री सेल्सियस
एंड 3 डिग्री सेल्सियस इन विंटर. एनर्जी लॉसेस एज हीट फ्रॉम द रूफ एंड द वॉल इज एस्टिमेटेड एट 5 किलोवाट पर डिग्री सेल्सियस. 5 किलोवाट पर डिग्री सेल्सियस हीट फ्लो होती है ना. टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द रूम एंड द एम्बिएंट कंडीशन कैलकुलेट द पावर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द डिवाइस इन समर एंड विंटर. पहले हम लोग बात करते हैं समर की, फिर बात करते हैं विंटर की. देखना, फॉर समर, समर कंडीशन में जो रूम है ना उसको मेंटेन करना है कितने पे, इसको मेंटेन करना है अपन को 25 डिग्री सेल्सियस. जो रूम है ना मेंटेन करना है 25 डिग्री सेल्सियस में. बेटा ये लिखा है ना पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8. अच्छा क्वेश्चन नहीं मिला क्या आप लोगों को? मिल गया ना. सुनो, समर कंडीशन में रूम को कितने पे मेंटेन करना है 25 डिग्री सेल्सियस पे. इट इज प्रपोज टू यूज अ रिवर्सिबल डिवाइस. और समर कंडीशन में बाहर का टेम्परेचर कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस है. अब मेरी बात सुनो ध्यान से, आपको रूम का टेम्परेचर मेंटेन करना है कितना? 25 डिग्री सेल्सियस. बाहर का टेम्परेचर कितना है? 40. जाहिर सी बात है कि रूम का टेम्परेचर कम है, बाहर का ज्यादा है, तो हीट बाहर से अंदर आएगी. तो हीट आएगी यहां बाहर से अंदर. हीट कितनी आएगी? उसने बोला है 5 किलोवाट पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस. ये टेम्परेचर है 40, ये 25, टेम्परेचर डिफरेंस 15. तो हीट कितनी आएगी? 5 × 15 75 किलोवाट. इसका मतलब है कि आपका जो रूम है ना उसमें सराउंडिंग से हीट आ रही थी 75 किलोवाट के रेट से. अब आपको उसको उसी टेम्परेचर पे मेंटेन रखना है, तो आप क्या करोगे? आपको हीट निकालनी पड़ेगी वहां से. कितनी हीट निकालनी पड़ेगी? उतनी ही निकालनी पड़ेगी जितनी की आ रही थी. तो आपको डिजायर्ड इफेक्ट कितना चाहिए? सेवेंटी फाइव किलो वॉट ही चाहिए. मतलब मामला कुछ ऐसा है कि यहां पर एक रेफ्रिजरेटर है, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस होता है, जिसको लोअर टेम्परेचर मेंटेन करना है कितना? 25 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब 298 केल्विन पे. और हायर टेम्परेचर कितना है? 40, मतलब 313 केल्विन पे. यहां से हीट लेगा और यहां से हीट देगा, और ये डब्ल्यू नेट है. रेफ्रिजरेटर में सिस्टम कौन होता है? लोअर टेम्परेचर. और लोअर टेम्परेचर को कितने पर मेंटेन करना है? 25 डिग्री सेल्सियस पे. मेंटेन करने के लिए कितनी हीट निकालनी पड़ेगी? जितनी उसमें आ रही थी. कितनी? 75 किलोवाट. मतलब Q1 कितना है? 75 किलोवाट. तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होता है? सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर होता है TL/TH-TL. तो ये हो जाएगा कितना? TL मतलब 298/313 - 298 is equal to desired कितना? 75 upon W input. इसको सॉल्व करो और मुझे वर्क इनपुट बताओ कितना आएगा. इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ कि वर्क इनपुट कितना आएगा. कितना आएगा? 3.77 किलोवाट. सिंपल यार, बहुत सिंपल. समर कंडीशन में उसने बोला है कि रूम को कितना मेंटेन करना है? 25 पे. उसने बोला सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना? 40. उसने कहा हीट लीक होती है, हीट कितनी आती है? 5 किलोवाट पर डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 15. हीट कितनी आएगी? 15 × 5 = 75.
75 किलोवाट हीट यहाँ आएगी, तो इसको मेंटेन करना है तो 75 किलोवाट निकालनी पड़ेगी। ये है आपका रूम, 75 किलोवाट निकालने के लिए क्या लगा दिया, रेफ्रिजरेटर। और रेफ्रिजरेटर हीट को कहाँ सेंड करेगा, हाई टेम्परेचर पे सराउंडिंग में। तो सीओपी क्या हो गई रेफ्रिजरेटर की, टीएल अपॉन टीएच माइनस टीएल इज इक्वल टू डिजायर्ड, ये डिजायर्ड है अपॉन वर्क इनपुट, सिंपल वर्क इनपुट। बात समझ में आई हाँ या नहीं? इसको एक बार नोट करो फिर आगे बात करते हैं। इसको नोट कर लो फिर मैं बताता हूं, एक बार नोट कर लो इसको, नोट कर लेना तो मुझे बता देना। एक बार नोट कर लो, नोट कर लेना तो मुझे बता देना। डन ना, सुनो ये सब क्वेश्चन में बोला था, क्वेश्चन में क्या बोला था कि एक रूम है मतलब एक हाउस है, उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है। मैंने कहा ठीक है, सराउंडिंग कितने पे है, 40 पे उसने बोला है। उसने बोला कि पर डिग्री सेल्सियस 5 किलोवाट हीट लीक होती है। तो भाई यहाँ पर टेम्परेचर 40 है, यहाँ पर 25 है, टेम्परेचर डिफरेंस है 15 है, तो बाहर से अंदर हीट कितनी आ रही होगी, 15 इंटू पर डिग्री सेल्सियस 5 आ रही थी, तो 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस पे 75 किलोवाट हीट यहाँ आएगी। और अगर इसको मेंटेन रखना है कितने पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो जो हीट आ रही थी उसको निकालना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो देखो ये रूम था, रेफ्रिजरेटर लगा दिया, इससे कितनी हीट निकालनी है, 75 किलोवाट, किसको सेंड करेगा, सराउंडिंग को, सीओपी लिख लिया टीएल, सिंपल। बात समझ में आ गई? अब एक बार विंटर कंडीशन वाला देखो, विंटर कंडीशन में क्या दे रखा है, एक बार विंटर कंडीशन में देखो क्या दे रखा है। विंटर कंडीशन में दे रखा है कि टेम्परेचर जो सराउंडिंग का है वो कितना है, 3 डिग्री सेल्सियस है, और अपन को रूम का कितना मेंटेन करना है, 25 डिग्री सेल्सियस। रूम का कितना मेंटेन करना है, विंटर में रूम का मेंटेन करना है 25 डिग्री सेल्सियस, और सराउंडिंग का कितना है, 3 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा भाई, सर्दियों में अपने रूम का टेम्परेचर ज्यादा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो रूम से सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर होगी ना, कितनी हीट ट्रांसफर होगी भाई, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर होगी कितनी, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 25 माइनस 3 कितना, 22 पर डिग्री सेल्सियस 5 किलोवाट होता था, कि हो जाएगा 110 किलोवाट, मतलब रूम से सराउंडिंग में 110 किलोवाट हीट क्या हो रही होगी, फ्लो हो रही होगी। अब रूम से सराउंडिंग में हीट जा रही है ना, तो अगर रूम को मेंटेन करना है आपको तो रूम को हीट देनी पड़ेगी, तो रूम को हीट कौन देगा, हीट पंप देगा। देखो ये हाई टेम्परेचर मेंटेन करना है कितना,
25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन। कौन मेंटेन करेगा? हीट पंप। सराउंडिंग कितना है? 3 डिग्री सेल्सियस मतलब 376 केल्विन। सराउंडिंग से हीट लेगा, रूम को हीट देगा और वर्क इनपुट लगेगा कुछ। रूम को कितनी हीट देगा? जितनी रूम की हीट लॉस हो रही थी, क्योंकि मेंटेन रखना है रूम को। कितनी लॉस हो रही थी? 110 किलोवाट। यही आपका क्या है? डिजायर्ड है। तो क्या हो जाएगा? सिंपल देखो, सीओपी ऑफ हीट पंप क्या होता है? सीओपी ऑफ हीट पंप होता है टी हायर अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर इज इक्वल टू डिजायर्ड अपॉन वर्क इनपुट। टी हायर कितना है? 298 अपॉन 298 माइनस 276 इज इक्वल टू डिजायर्ड कितना है? 110 किलोवाट अपॉन वर्क इनपुट। यहां से मुझे वर्क इनपुट बताओ कितना है। यहां से मुझे वर्क इनपुट बताओ कितना है, कितना है? 8.12 आ रहा है क्या? 8.12 किलोवाट। सिंपल है। हाँ भाई, कर सकते हो क्या ऐसे क्वेश्चन? कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना यार। वही एक एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, एक दो सीओपी के फॉर्मूले हैं, बस हम उसी में खेलते रहते हैं और कुछ भी नहीं है ना। इसको एक बार नोट करो फिर आगे बात। हाँ भाई, इसको एक बार नोट करो फिर आगे बात करते हैं। नोट कर लिया क्या? एक पेज नंबर 11 पे क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो जरा। पेज नंबर 11 पे क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो जरा एक बार। पेज नंबर 11 पे क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो जरा एक बार। सॉल्व नहीं करना, केवल पढ़ना। सॉल्व मत करना, केवल पढ़ना उस क्वेश्चन को। दे रखा है हीट पंप इज टू बी यूज्ड टू हीट द हाउस इन विंटर एंड द रिवर्स टू कूल द हाउस इन समर। द इंटीरियर टेम्परेचर इज टू बी मेंटेन्ड एट 20 डिग्री सेल्सियस। हीट ट्रांसफर थ्रू द वॉल एंड रूफ इज एस्टिमेटेड टू बी 0.525 किलोजूल पर सेकेंड पर डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड। ए नंबर पूछा है, इफ द आउटसाइड टेम्परेचर इन द विंटर इज इतना, व्हाट इज द मिनिमम पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द हीट पंप। बी पूछा है, इफ द पावर आउटपुट इज द सेम एज इन पार्ट वन, व्हाट इज द मैक्सिमम आउटर टेम्परेचर फॉर विच द इनर इनसाइड कैन बी मेंटेन्ड एट 20 डिग्री सेल्सियस। आपको नहीं लगता कि सेम क्वेश्चन है, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है? सर यहां पर एसी की थर्मो सेम एज रेफ्रिजरेटर लेते हैं क्या? क्योंकि रूम तो एसी ठंडा करता है। हाँ बेटा, यहाँ पर रेफ्रिजरेटर जो लिखा हुआ है वो एसी ही लिखना चाह रहा है ना। वो जो रेफ्रिजरेटर लिखा हुआ है ना, वो एसी ही लिखना चाह रहा है ना। आपको नहीं लगता सेम क्वेश्चन है? ये वाला क्वेश्चन पता है किसका है? ये वाला क्वेश्चन पी के नाक का है और ये वाला क्वेश्चन पता है किसका है? ईएसई का है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? केवल न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज है, सेम क्वेश्चन दे रखा है। उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं
इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज भी चेंज नहीं है, डायरेक्टली ईएसई में रिपीट हो गए, है ना। तो ईएस वाले करते क्या है, उनको पूरा टारगेट होता है 4 महीने 5 महीने पेपर बनाने का, 4-5 महीने वो कुछ नहीं करते। जिस दिन पेपर बनना होता है, देना होता है, उसकी एक रात पहले सस्ता नशा करते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के देखते हैं और छाप देते हैं, है ना। तो आपको पूरा प्रीवियस ईयर ही मिलता है ईएस, और जो थोड़ी बहुत क्वेश्चन है वो पीके नाग वगैरह के मिल जाते हैं ना, ठीक है। अब 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनो, नोट कर लिया ना, सुनो। इसमें क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वो क्वेश्चन आपको कराऊंगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे एंट्रोपी में, है ना। हाँ यार यही तो था, एक क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 11 पे क्वेश्चन नंबर 5 देखो, पेज नंबर 11 पे क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ी धैर्य रखना, आपको पूरी वर्किंग समझ में आ जाएगी, हीट इंजन कैसे वर्क करता है ना। ये पीके नाग का क्वेश्चन है ना, आपको दे रखा है हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ इतना एंड इतना, ठीक है, विद इफिशियंसी ऑफ इतना ऑफ अप्रोप्रिएट कार्नोट इफिशियंसी, ठीक है। इट डिलीवर्स इट ड्राइव्स द हीट पंप व्हिच यूज द रिवर वाटर इज इतना टू हीट द ब्लॉक ऑफ फ्लैट इन विच द टेम्परेचर इज टू बी मेंटेन्ड इतना, ठीक है। अज्यूमिंग दैट द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ इतना एग्जिस्ट बिटवीन द वर्किंग फ्लूइड एंड द रिवर वाटर, ठीक है, ऑन द वन हैंड एंड द रिक्वायर्ड रूम टेम्परेचर ऑन द अदर हैंड, as and assuming the heat pump is to operate on the reverse Carnot cycle but with the COP of 50% of ideal COP, find out the heat input to the engine per unit heat output from the heat pump via the direct heating system, ठीक है। सुनो 2 मिनट क्वेश्चन सुनना, थोड़ी धैर्य रखना, आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी, है ना। देखो एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ी बड़ा है, है ना, तो थोड़ी धैर्य रखना, है ना। आपको दे रखा है हीट इंजन है, एक हीट इंजन है, क्लॉकवाइज होगा, वर्क प्रोड्यूसिंग होता है, ये ऑपरेट करता है 6 TH = 671 degree Celsius। 671 को जरा केल्विन में कन्वर्ट करना, 671 प्लस 273 बताना मुझे कितना होगा, 944 होगा क्या, इतना होगा ना। उसके बाद 60 डिग्री सेल्सियस, टीएल कितना है 60 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना, 333 केल्विन होगा क्या। ये हीट इंजन है, वो इतने टेम्परेचर लिमिट पे वर्क करता है और ऑपरेट करता है किसको, एक हीट पंप को, हीट पंप है, वर्क कंज्यूमिंग होगा, डब्ल्यू नेट को इसमें फीड करोगे और जो हीट पंप है इट ड्राइव्स हीट पंप विच यूज द रिजर्व रिवर वाटर, यहां पर कोई रिवर वाटर है, जिसका टेम्परेचर कितना है 4.4, मतलब कितना है 277.4 केल्विन, टू हीट अ ब्लॉक इन विच टेम्परेचर इज मेंटेन 21.1, यहां पर कोई ब्लॉक है जिसका टेम्परेचर है कितना 21.1 का मतलब क्या होता है 294.1 केल्विन, ये होगा। आपको दे रखा है अज्यूमिंग दैट द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 21.1 डिग्री सेल्सियस एग्जिस्ट बिटवीन द वर्किंग फ्लूइड एंड रिवर वाटर, ठीक है, सुनो।
दोनों की इफिशियंसी कितनी है, 50% 50%। ठीक है, आपसे पूछा फाइंड आउट द हीट इनपुट टू द इंजन, ये Q1 पूछा है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, फॉर पर यूनिट हीट आउटपुट फ्रॉम द हीट पंप। ये दे रखा है 1 किलोवाट, ये 1 किलोवाट है, तो Q1 कितना होगा ये पूछा है। ठीक, सुनो, इसमें एक लाइन लिखी हुई है, इसमें एक लाइन लिखी हुई है, मैं बस वही समझाना चाह रहा हूं। इसमें एक लाइन लिखी है, अज्यूमिंग दैट टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 11.1 डिग्री सेल्सियस एग्जिस्ट बिटवीन द वर्किंग फ्लूइड एंड द रिवर वाटर ऑन द वन हैंड एंड रिक्वायर्ड रूम टेम्परेचर ऑन द अदर हैंड। इसका मतलब आपको समझ में आया, हाँ या नहीं? उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि रिक्वायर्ड टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 11.1 है। इसका मतलब समझ में आया? सुनो, यहां पर दे क्या रखा है, 2 मिनट सुनना, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट सुनो। आपके रेफ्रिजरेटर में जो फ्रीजर है ना, ध्यान से सुनना, प्रैक्टिकली समझना चीजों को। आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर जो फ्रीजर लगा होता है ना, उसका टेम्परेचर मुझे मेंटेन करना है 5 डिग्री सेल्सियस। रेफ्रिजरेटर के अंदर जो फ्रीजर लगा है ना, उसका टेम्परेचर मेंटेन करना है 5 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल कह रहे हो, सही कह रहे हो, हीट हीट ट्रांसफर के लिए दे रखा है ना। रेफ्रिजरेटर के अंदर जो फ्रीजर लगा है, उसका टेम्परेचर मेंटेन करना है 5 डिग्री सेल्सियस। होता क्या है कि इसके चारों तरफ कूलिंग क्वाइल लगी होती है, इसके चारों तरफ कूलिंग क्वाइल लगी होती है, तो कूलिंग क्वाइल इससे हीट लेकर के जाएंगी, तभी तो ये ठंडा होगा। तो मुझे एक बात बताओ, कूलिंग क्वाइल इससे हीट कब लेगी, जब कूलिंग क्वाइल का टेम्परेचर इससे कम होगा या इससे ज्यादा होगा? कूलिंग क्वाइल इससे हीट कब लेगी, जब कूलिंग क्वाइल का टेम्परेचर इससे कम होगा या ज्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है, इससे कम होगा। तो उसने बोला है कि कितना टेम्परेचर कम होना चाहिए, 11.1। ठीक, अब वो जो कूलिंग क्वाइल में वर्किंग फ्लूड है, वो हीट को लेकर के ले जाएगा सराउंडिंग के पास, और सराउंडिंग में रिजेक्ट करेगा, और सराउंडिंग में हीट कब रिजेक्ट करेगा, जब उसका टेम्परेचर सराउंडिंग से क्या हो, ज्यादा। तो सुनना, इसको, इस हीट पंप को इस रिवर वाटर से हीट लेनी है। इस हीट पंप में जो वर्किंग फ्लूड है, मान लो कि NH3 है, मान लो CCl2 CF2 है, कुछ भी है, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोकार्बन है, कुछ भी है, कोई भी रेफ्रिजरेंट है, उसको इस रिवर वाटर से क्या करना है, हीट लेना है। और अगर इस रिवर वाटर से हीट लेना है, तो वर्किंग फ्लूड का टेम्परेचर इस रिवर वाटर से कम होना चाहिए, तभी हीट लेगा। कितना कम होना चाहिए, 11.1। तो एक बार 277 में 11.1 कम करो, कितना आएगा? ये हो जाएगा 277.4 माइनस 11.1, इसकी वैल्यू बताओ कितना आएगा, 266.3 केल्विन आएगा क्या? देन ओनली वो यहां से हीट लेगा। ये बात समझ पाए? हीट पंप का जो वर्किंग फ्लूड है, हीट पंप का जो वर्किंग फ्लूड है ना, वो यहां से हीट जब लेगा, जब उसका टेम्परेचर इसके टेम्परेचर से 11.1 डिग्री सेल्सियस कम होगा। तो इसका कितना था, 277.4 माइनस 11.1, तो इसका टेम्परेचर कितना है ये। ठीक, अब सुनो, ये हीट इसने यहां से ली, वर्क इनपुट हुआ, हीट को ले गया सराउंडिंग में, यहां पर हीट को रिजेक्ट करना है। और यहां पर हीट रिजेक्ट कब होगी, जब वर्किंग फ्लूड का टेम्परेचर इस टेम्परेचर से क्या होगा, ज्यादा होगा, तभी तो हीट देगा। और कितना ज्यादा होगा, 11.1। तो यहां पर जो टी हायर है वो हो जाएगा 294.1 प्लस 11.1, कितना हो जाएगा, 305.2 केल्विन। देन ओनली ये हीट रिजेक्ट करे, क्यू आउट। ये बात आपको समझ में आई, हाँ या नहीं? हाँ भैया, ये बात समझ में आई आपको, 11.1 वाली कहानी समझ में आई आपको, क्या थी? हीट ट्रांसफर तभी होती है, हीट ट्रांसफर तभी होती है जब कुछ टेम्परेचर डिफरेंस होता है।
ठीक है, हीट ट्रांसफर तभी होती है, देखो हीट ट्रांसफर तभी होती है जब कुछ टेम्परेचर डिफरेंस होता है, इस बात से सहमत हूं, हीट ट्रांसफर तभी होती है जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है। मुझे एक बात बताओ, आप कोल्ड बॉडी से, कोल्ड बॉडी से कोई एक बॉडी है, कोई एक बॉडी है वो 5 डिग्री सेल्सियस पे है, आपको इससे हीट लेनी है, आपको इससे हीट लेनी है, तो जो आप वर्किंग फ्लूड भेजोगे उस वर्किंग फ्लूड का टेम्परेचर इससे कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? आपको इससे हीट लेनी है तो जो आप वर्किंग फ्लूड भेजोगे उसका टेम्परेचर इससे कम होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्वेश्चन में बोला है कि 11.1 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, क्वेश्चन में बोला है 11.1 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, ठीक। तो इसका टेम्परेचर था 277.4 और इससे लेनी है हीट, तो इससे टेम्परेचर क्या होना चाहिए वर्किंग फ्लूड का कम, कितना कम, 11.1, तो वर्किंग फ्लूड का टेम्परेचर इससे इतना कम होना चाहिए, मतलब इतना होना चाहिए। बात समझ में आई, ये वाली कहानी समझ में आई, हाँ या नहीं? ठीक, अब सुनो। अरे भाई क्वेश्चन में बोला है ना, उसने क्वेश्चन में बोला है, आप मुझसे कह रहे हो कि 5 डिग्री सेल्सियस से हीट लेनी है तो इससे कम होना चाहिए वर्किंग फ्लूड का टेम्परेचर, कितना कम होना चाहिए, 11.1 कम होना चाहिए, क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वेश्चन में बोला है कि 11.1 कम होना चाहिए, तो इससे 11.1 कम कर दिया। ये वर्किंग फ्लूड का टेम्परेचर है, ये कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर, तो वर्किंग फ्लूड का टेम्परेचर कितना है 266.3 और कोल्ड बॉडी का इतना है, तभी वर्किंग फ्लूड यहां से हीट लेगा और आगे ट्रांसफर करेगा। समझ पाए? ये चीज क्वेश्चन में दे रखी है, क्वेश्चन पढ़ो, उसमें दे रखा है कि जो कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर है उससे 11.1 कम होना चाहिए वर्किंग फ्लूड का टेम्परेचर, सिंपल। अब आपको क्या करना है, वर्किंग फ्लूड ने यहां से हीट ली और यहां ले गया, इसको क्या करना है, हाई टेम्परेचर पे देना है। हाई टेम्परेचर पे हीट कब देगा, हीट जब देगा जब वर्किंग फ्लूड का टेम्परेचर हाई टेम्परेचर से भी ज्यादा होगा। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि ये 200 डिग्री सेल्सियस है, मैं आपसे कहूं कि ये 200 डिग्री सेल्सियस है, आपको यहां पर हीट देनी है, अगर आपको यहां पर हीट देनी है, अगर आपको यहां पर हीट देनी है तो आपका टेम्परेचर इससे भी ज्यादा होना चाहिए, तब आप हीट दे पाओगे, अन्यथा नहीं दे पाओगे। तो यहां पर हीट देनी है ब्लॉक को और ब्लॉक का टेम्परेचर कितना है, इतना है, तो वर्किंग फ्लूड का इससे भी ज्यादा होना चाहिए, देन ओनली वर्किंग फ्लूड हीट दे पाएगा, कितना ज्यादा, 11.1, तो इससे 11.1 ज्यादा है। बात समझ में आई, हाँ या नहीं? आ गया ना? अब सुनो, बस इतनी सी कहानी है, हाँ, वर्किंग फ्लूड का इनपुट और आउटपुट का टेम्परेचर पता करना था ना, कोल्ड बॉडी और हॉट बॉडी का टेम्परेचर दे रखा था और वर्किंग फ्लूड का पता करना था, बस इतना ही लॉजिक था इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं था, है ना। अब देखो यहाँ पर जो इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन है ना, क्वेश्चन पढ़ लेना एक बार, 50% ऑफ कार्नोट इफिशियंसी दे रखा है, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन 50% ऑफ कार्नोट इफिशियंसी दे रखा है, तो ये हो जाएगा 0.5 × 1 − T2/T1, 333/944। मुझे यहां से हीट इंजन की एफिशिएंसी बताओ कितनी आएगी, मुझे इसकी एफिशिएंसी बताओ कितनी आएगी, है ना? और इसका बोला है कि हीट पंप का जो सीओपी है, ये भी क्वेश्चन में देख लेना बेटा, अच्छे से पढ़ो, हीट इंजन के लिए भी 50% दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ लेना, इसीलिए मैंने पहले बोला है कि क्वेश्चन पढ़ लेना एक बार, है ना।
सुनो, हीट इंजन की इफिशियंसी भी 50% ही दे रखा है ना। सुनो, सीओपी ऑफ हीट पंप कितना दे रखा है? 50% ऑफ सीओपी ऑफ रिवर्स कार्नोट, तो हो जाएगा 0.5। कार्नोट की सीओपी क्या होती है? टीएच अपॉन टीएच माइनस टीएल, हो जाएगा 0.5। टीएच कितना है? ये 305.2 अपॉन 305.2 माइनस 266.3। मुझे यहां से सीओपी ऑफ हीट पंप बताओ कितना आएगा। सीओपी ऑफ हीट पंप बताओ कितना आएगा। अच्छा सुनो, चलो रहने दो, कैंसिल। सुनो, सीओपी ऑफ हीट पंप बताओ मुझे कितना आएगा। 3.92। ये इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन आ गया। बस बचा क्या? कुछ भी नहीं यार। हीट पंप की सीओपी क्या होती है? डिजायर्ड अपॉन वर्क इनपुट। डिजायर्ड कितना है? 1 किलोवाट अपॉन डब्ल्यू नेट, निकाल लो। डिजायर्ड अपॉन वर्क नेट, तो सीओपी कितनी है? सीओपी है 3.923। डिजायर्ड कितना दे रखा है? 1 किलोवाट अपॉन डब्ल्यू नेट। मुझे एक बार डब्ल्यू नेट की वैल्यू बताओ यहां से कितनी आएगी। थोड़ा बड़ा लिखो ना बेटा, बहुत बड़ा ही लिख रहा हूं। आपके यहाँ कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, इस वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। कितना आएगा? 0.255। ये डब्ल्यू नेट आ जाएगा। उसके बाद हीट इंजन की इफिशियंसी कितनी है? इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन होता है डब्ल्यू नेट अपॉन Q1। कितनी है? 0.32। और ये कितना है? 0.255 अपॉन Q1। मुझे Q1 बता दो कितना आएगा। Q1 बताना मुझे कितना आएगा। पॉइंट सेवन नाइन, पॉइंट सेवन नाइन है ना, किलो जूल या किलो वाट जो भी है। सिंपल, इसको एक बार नोट करो फिर आगे बात। इसको एक बार नोट करो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ भाई, इसको एक बार नोट करो फिर आगे बात करते हैं।
ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं ना। नोट कर लिया क्या? कविता नहीं सर की, इमेजिनेशन। अरे इमेजिनेशन कौन है भाई मेरी? सुनो, इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। हाँ भाई, नोट कर लिया क्या? नोट कर लिया। सुनो, देखो, नोट कर लिया ना? अपनी भावनाओं में नियंत्रण रखो, है ना? और अपन बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। सुनो, देखो मामला क्या है, मामला क्या है। अपन को दे रखा था, देखो क्वेश्चन में दे रखा है था कि एक हीट इंजन है, वो ऑपरेट करता है किसको? एक हीट पंप को। सिंपल, मैंने लिख लिया आपको, इसका इसका टेम्परेचर दे रखा था और आपसे बोला था कि हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है, देखो यार, सबसे पहली बात कि आपको कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन दे रखा हो ना, आप उसका जितना हो सकता हो उतना डायग्राम ड्रॉ कर लो, क्वेश्चन आधे से ज्यादा वहीं सॉल्व हो जाता है यार। आपको दे रखा है कि हीट इंजन इसको ऑपरेट कर रहा था, हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो 50% ऑफ कार्नोट एफिशिएंसी थी। हीट इंजन की एफिशिएंसी 50% ऑफ कार्नोट एफिशिएंसी, 50% ऑफ कार्नोट एफिशिएंसी ये लिखी, ठीक। उसके बाद मुझे दे रखा है कि जो हीट पंप है ना, वो हीट ले रहा था कहां से? रिवर वाटर से। लेकिन हीट को लेने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए 11.1, तो यहां से हीट लेना है तो 11.1 कम होना चाहिए टेम्परेचर, तो 11.1 कम कर दिया। और यहां पर हीट देना है तो 11.1 ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा कर दिया, ठीक। अब बोला आपसे कि सीओपी है जो हीट पंप की, वो 50% ऑफ रिवर्स कार्नोट,
रिवर्स कार्नोट का मतलब होता है या तो रेफ्रिजरेटर या फिर हीट पंप, मतलब वर्क कंज्यूमिंग, है ना। तो सीओपी है 0.5 ऑफ रिवर्स कार्नोट, ये निकाल ली। फिर बस आपको ये Q4 दे रखा था क्वेश्चन में और Q1 दे रखा, Q1 पूछा था, वो रिलेशन यूज कर लिया। बात समझ में आ गई आपको, हाँ या नहीं? हाँ भाई, कुछ कुछ बातें समझ में आ गई हैं आपको? रिवर्स कार्नोट मतलब वर्क कंज्यूमिंग, रिवर्स कार्नोट मतलब वर्क कंज्यूमिंग, और कार्नोट मतलब वर्क प्रोड्यूसिंग। तो रिवर्स कार्नोट का मतलब या तो रेफ्रिजरेटर या तो हीट पंप, है ना। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जाकर के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे गेट के प्रीवियस ईयर के सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के जितने आए होंगे, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर वाले, है ना। कल अपन मिलेंगे तो अपन क्या करेंगे, अपन डिस्कस करेंगे क्लासियस इनइक्वालिटी और उसके बाद अपन बात करेंगे एंट्रोपी की, है ना। डिजायर्ड की जगह वन क्या है, वो दे रखा है ना बेटा क्वेश्चन में, दे रखा है Q4 ही तो डिजायर्ड है, ये दे रखा है Q4 है डिजायर्ड। हीट पंप में हायर टेम्परेचर सिस्टम होता है और ये डिजायर्ड होता है, यही लिखा है वन, ये लिखा है, है ना। ऐसे जहरीले डाउट पूछोगे तो कैसे काम चलेगा बेटा। देखो समझ में आ गया, तो आप क्या करोगे घर जाकर के क्वेश्चन लगा लेना, कल जब अपन मिलेंगे तो अपन क्या डिस्कस करेंगे, क्लासियस इनइक्वालिटी डिस्कस करेंगे और एंट्रोपी डिस्कस करेंगे ना। तो कल वाली क्लास मिस मत करना, क्योंकि एंट्रोपी में अब मुझे पता है कि बहुत सारे जहरीले कॉन्सेप्ट होते हैं जो अपन अपने दिमाग में बनाए रहते हैं ना। तो कल वाला सेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट होगा ना, कल और परसों वाला ना। ठीक है, मिलते हैं अपन कल, ठीक है, बाय बाय। कैसी कविताएं लिखते हैं आप, कैसी कविताएं लिखता हूं मैं पता है यार, पूरे समाज को पता है। आप मेरे फेसबुक पेज आप जाके भी देख लोगे तो मिल जाएंगी आपको, है ना। ठीक है, कविता लिखना कैसे सीखा बेटा, साहित्य पढ़ना शुरू करो, आप दिनकर को पढ़ना शुरू करो, सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ना शुरू करो, है ना, मैथिली शरण गुप्त वगैरह को पढ़ना शुरू करो, अपने आप आ जाएगा, है ना। और सबसे पहले रामचरितमानस वगैरह पढ़ो, शब्दकोश तैयार हो जाएगा, है ना। ठीक है, ठीक है, बाय बाय।